हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको अपना CCS का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके से आप किसी भी कोर्स का, किसी भी ईयर का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने एक छोटी छोटी मिस्टेक करते हो जिससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते, फिर आप सोचते हो कि यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा, चलिए एक काम करते हैं, साइबर कैफे वाले के पास चले जाते हैं, और वो जाते के साथ ही आपको एडमिट कार्ड निकाल देता है। फिर आपको लगता है कि यार वाकई में हमें नहीं आता। तो इसलिए वीडियो को इसे ध्यान से देख लेना, उसके बाद आपको कभी भी ये सोचने की नीड नहीं होगी कि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हुआ या फिर मैं डाउनलोड कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। ये तो इसका डेस्कटॉप ना, यार मेरा चल रहा है आज, पता नहीं, डेस्कटॉप मोड ही है मेरा। ठीक है, यहाँ पर डालना है आपको CCS एडमिट कार्ड। ठीक है, और उसके बाद CCS UWeb की जो पहली वेबसाइट आएगी, देखो ये वाली exam.ccsuweb.in, ये है ना, यहाँ पे एडमिट कार्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म नंबर डालना है। सबसे ज़्यादा गलती बालक यही करते हैं, क्या सोचते हैं कि भाई जो एग्जैक्ट मेरा फॉर्म नंबर है वो डाल देता हूँ, फिर वो डाउनलोड नहीं होता, फिर उसमें आता है कि आपका फॉर्म नंबर नोट फोन, बच्चा टेंशन में आया था, सोचा यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मेरा पता नहीं एग्जामिनेशन फॉर्म सही से भरा गया या नहीं भरा गया, क्या हो गया क्या नहीं, बड़ी टेंशन हो जाती है। तो आपको इसमें देखने साफ साफ लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग द 20 प्रीफिक्स एंड लीडिंग जीरोज, यानी कि आपके स्टार्टिंग में 20 से शुरू होगा, जैसे कि 2020 चल रहा था तो 20 वाली सीरीज चल रही थी, फिर 21 से सीरीज हो जाएगी शुरू। तो जो आपकी स्टार्टिंग में जो होता है, जैसे अभी 20 चल रहे तो 20, और उसके बाद में कुछ जीरोज होते हैं, आपको उसको अवॉइड करना है, देन उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। जैसे कि मैं अपना एक फॉर्म नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, कैप्चा ध्यान से करना, क्योंकि कैप्चे की वजह से भी बहुत बार आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता। इसको सिंपली सर्च करोगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। देखिए, जैसे मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है, फिर यहाँ के बाद बच्चों को दिक्कत आती है, यार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, देखो मैं भी लेके दिखा दिया, तो लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं आएगी आपकी, समझ रहे हो। तो आपको PDF में डाउनलोड करना, PDF में कैसे करोगे इसको, मैं उसका तरीका बताता हूँ आपको PDF में कैसे डाउनलोड होगा। आपको जाना है प्रिंट एडमिट कार्ड में, ठीक है, क्लिक किया तो आपका फोन ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पर लेके आ जाएगा। तो आपको प्रिंटर तो आपके फ़ोन में है नहीं, यहाँ पे देखो ये ऑप्शंस आते हैं, या तो प्रिंटर्स हो आपके, या फिर सेव एज PDF, देखो आ रहा है ना, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड का, देखो ये डाउनलोड का वो होता है ये वाला, इसको हम ऐसे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, ये PDF मेरी डाउनलोड हो चुकी है मेरे सिस्टम में। ठीक है, डन डन बिल्कुल डन हो गया। ऐसे ही आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए थैंक यू वेरी मच।